अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और चटपटा सा काबुली चना पुलाव, जिसको आप गर्मियों के दिनों में लंच में बनाकर खा सकते हैं, या बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बड़ों को टिफ़िन में दे सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है और बहुत ही फटाफट से ये बन जाता है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम 4 टेबल स्पून तेल गर्म करेंगे, और तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े गर्म मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी और एक तेज़पत्ता। इस तरीके के मसाले हम डाल देंगे, और एक प्याज डाल देते हैं स्लाइस किया हुआ, और चलाते हुए हम अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर लेते हैं मसालों के साथ। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो ज़रा सा प्याज हम निकाल लेते हैं गार्निश करने के लिए पुलाव को। तो यहाँ पर हम एक टमाटर ले लेते हैं स्लाइस में कटा हुआ, और 5 हरी मिर्च हमने इस तरीके से लंबे टुकड़ों में कटी हुई ले ली है। इसको डालकर प्याज के साथ चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। तो टमाटर हमारे भून चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक डालने से टमाटर जो हैं और भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देते हैं बिरयानी पुलाव मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को चलाते हुए हमने अच्छी तरीके से भून लिया है मसालों को। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 कप हम इसमें डाल देंगे भीगे हुए काबुली चना, और काबुली चना को हमने 8 घंटे पहले भिगो दिया था, 6 से 7 घंटे या 8 घंटे इसको भिगो कर रखे अच्छी तरीके से। तो काबुली चने को मसालों के साथ अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे, पका लेंगे। तो सारे मसाले और काबुली चना जो अच्छी तरीके से भून चुके हैं, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे पुलाव को पकाने के लिए। तो 1 से 2 कप हमने यहाँ पर पानी डाला हुआ है, तो लगभग 2 कप हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पानी डाल दिया है। और इसमें अब हम डाल देते हैं चावल। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम बासमती चावल ले लिया था, इसको अच्छी तरीके से धोकर 30 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसको भीगने के लिए रख दिया था, भिगा कर रखा हुआ था। तो अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक और डाल सकते हैं। तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं फिर से नमक इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। और यहाँ पर हमने धनिया और पुदीना की पत्ती ली है, इसको भी हम डाल देते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पुलाव का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चावल जो है खिले खिले बनेंगे, तो नींबू का रस डालें। और अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। तो अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, और सीटी लगाकर इसको हम अच्छी तरीके से 2 सीटी आने तक पकने देंगे। जब 2 सीटी आए तो इसको अपने आप प्रेशर निकलने दें। तो ये देखिए, कुकर का हमने अपने आप से प्रेशर निकलने दिया है, और हमारा पुलाव जो है खुशबूदार पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया काबुली चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से एक बार पुलाव को पलट लीजिए इस चम्मच की मदद से, ये देखिए इस तरीके से, और ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इस तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, हमारा चटपटा सा काबुली चना पुलाव लंच स्पेशल बनकर तैयार है। इसको हमने यहाँ पर सर्व किया है, बहुत ही मज़े का बना है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर काबुली चना पुलाव हमने सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये काबुली चना पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।